What's up guys, welcome back to our channel. आप देख रहे हैं आपका अपना अंकित पाल फिटनेस। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके राइट साइड पे नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 5 से 6 एरियाज हैं जिनको हमेशा आपको क्लीन रखना चाहिए, हमेशा आपको शेव्ड रखना चाहिए, ट्रिम करके रखना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं गाइस, ये एरियाज जो है वो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर क्लीन रखेंगे ये एरियाज को, अगर आप साफ सुथरा रखेंगे तो आप ज़्यादा लड़कियाँ और वुमेंस को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं है अगर मेंस के ये सब जगहों पे बाल होंगे तो। सो पहला एरिया जो मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, वो है आपके गले के नीचे का एरिया। गाइस देखिए, ये बहुत ही ऐसी जगह है जहां पर अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा बाल रखेंगे ना तो बहुत भालू टाइप लग जाते हैं, बट आप एकदम शेव करके रखेंगे, प्रॉपरली ग्रूम करके रखेंगे ना तो ये आपके नीचे वाला जो एरिया होता है गले का वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है, बहुत ही ज्यादा क्लासिक लगता है। और जब आप कहीं मीटिंग पे जाते हैं, किसी डेटिंग पे जाएंगे या किसी भी जगह पे जाएंगे ना तो आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। इवन लड़कियों को भी पसंद है जब आप बहुत ज्यादा ग्रूम्ड होते हैं, प्रॉपरली बियर्ड आपकी अच्छी से होती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो ना और अगर आप चाहते हो कि एकदम अच्छे लगो, गुड लुकिंग लगो, तो अपने जो बियर्ड है, बियर्ड के नीचे वाला एरिया, उसको शेव करके जाओ ताकि एकदम अच्छा सा लुक लगे और एकदम वेल मैनर्ड आपकी एक बियर्ड हो। नेक्स्ट एरिया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है गाइस आपके पीछे, आपके जो बैक होती है ना, आपके नेक में। गाइस नेक की इधर देखिए, ये वाली एरिया जो होती है यहाँ पर भी लोगों के बाल होते हैं। अब गाइस देखिए, आप आगे से भी अच्छे लग रहे हैं बट अगर आप पीछे पलटेंगे आपको पीछे से भी बहुत लोग देखेंगे तो बहुत गंदा लगता है डूड। यहाँ पर जब आपके बहुत गंदे से बाल होंगे गाइस तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा वो। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर आपके यहाँ बाल अच्छे और सामने अच्छे तो गाइस एक यूं करके आवाज़ निकलती है कि यूं ये क्या गंदा। तो आपका जो बैक वाला एरिया, यहाँ पर जो नेक के पीछे वाला एरिया, इसको भी आप शेप करना सीखिए, जो प्रॉपरली जैसे आप आगे से ग्रूम करते पीछे से भी आपको ग्रूम करना पड़ेगा ताकि आप और भी अच्छे लगेंगे और आपका लुक जो है और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ गाइज, वो है आपके जेनेटल एरिया, यानी कि आपके नीचे के एरिया, प्यूब्स एरिया, यानी कि आपके बॉल्स वाले एरिया। अब गाइज देखिए, ये चीज़ें ऐसी है ना, इन चीज़ों को अगर आप क्लीन रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, आपके पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। और अगर आप इनको हटा के नहीं रखेंगे तो इचिंग भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो बिल्कुल जंगल लेके घूमते हैं, जो कई बार प्रॉब्लम होती है। सपोज आप अगर कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने में अगर खींच गया आपका बाल, तो गाइस देखिए आप जब हाथ का बाल खींचते हैं आपको याद होगा कितना पेन होता है, तो गाइस वहां पर तो कितना सेंसिटिव एरिया, जब वहां से कोई बाल खींचेगा तो कितना ज्यादा पेन होगा आपको। तो वो एरिया एक ऐसा है गाइस, वो किसी को भी पसंद नहीं है, फिर चाहे वो लड़की हो लड़का, जब आप डेटिंग में जा रहे हैं या किसी हुकअप में जा रहे हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गाइस कि अगर आपके बाल है वहां पर इस एरिया में। नेक्स्ट एरिया गाइस वो है आपका बैक, यानी कि आपका बैक साइड। गाइस देखिए, बहुत से ऐसे लोग होंगे, आजकल तो सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग जिम जाते हैं, तो सबका बैक बहुत अच्छा बन गया बिकॉज लिफ्ट करते हैं, हैवी लिफ्ट करते हैं। अब गाइस देखिए, अगर आपके बैक में बहुत बाल है, मतलब आपके पीठ में बहुत ज्यादा बाल होंगे ना, वो बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही ऑड लगता है। अब वो जमाना गया जब लोगों के पीठ पे और छाती पे बहुत ज्यादा बाल होते थे तो लोग बोलते थे भैया ये मैन है, मैनली है। आपने देखा होगा अक्षय कुमार की फोटो आपने देखी होगी कि पहले उसकी छाती में बहुत बाल थे तो लोग तारीफ करते थे। अब गाइस किसी को भी छाती में बाल पसंद नहीं है, सबको ग्रूम्ड रहना पसंद है, सबको बाल हटा के पसंद है, सबको लगता है कि यस अगर हम बाल हटा के रखेंगे तो हमारा जो लुक है वो अच्छा लगेगा, हम ज्यादा अपने मसल्स को दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, वो है आपका आर्मपिट वाला एरिया। अब मैं आर्मपिट वाला एरिया आपको इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आर्मपिट से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, पूरे बॉडी में ध्यान देंगे बट आर्मपिट एरिया में ध्यान नहीं देंगे। देखिए गाइस, ये ऐसी जगह जहां पर पसीना सबसे ज्यादा आता है। अगर आप कोई शर्ट पहनते हैं तो आपका पसीना दिखेगा, अगर आप कोई टी शर्ट पहनते तो पसीना दिखेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है गाइस कि ये एक ऐसा एरिया जो बहुत जल्दी अट्रैक्शन में आता है, जो बहुत जल्दी लोग इसको देखते हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी लोग आप देखते होंगे जो जिनके पसीने की स्मेल की बदबू बहुत खराब होती है, अगर उनके आर्मपिट की स्मेल की यहां पर अगर चिपक जाए उनका पसीना तो इतना गंदा वास मारता है कि पूरी शर्ट जो है गंदी हो जाएगी, पूरी टी शर्ट बंद गंदी हो जाएगी, और अगर आप उस बंदे के सामने खड़े रहोगे तो आपको भी बहुत गंदा लगेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो, तो आपको अपना जो है बाल जो है आर्मपिट्स के वो हमेशा क्लीन रखने हैं ताकि आप जो अच्छे लग सको, क्लीन लग सको। जितने कम बाल होंगे उतने आप अच्छे लगोगे। और बालों से मैं आपको बता दूं कि आपको ट्रिमर यूज करना है, जो भी मैं आपको यहां पर टिप्स बता रहा हूं गाइस, जैसे ऊपर वाले एरिया में आप शेव कर सकते हो बट आर्मपिट एरिया में, जेनिटल एरियाज में, यहां पर आपको हमेशा ट्रिमर इस्तेमाल करना है बिकॉज ट्रिमर से ईजी रहता है शेव करने से। मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया कि क्यों शेव नहीं करना चाहिए, तो आप वीडियो वो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये आप जैसे आपके कम बाल होंगे पसीना भी कम निकलेगा, गंदगी भी कम जमेगी और साथ में आप ज्यादा फ्रेश रहेंगे और ज्यादा क्लीन भी रख सकते हैं इसको आराम से। एक जगह और जो है वो मैं इसमें यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, वो है गाइस आपका बम एरिया, आपका पिछवाड़ा वाला एरिया। गाइस देखिए, यहाँ पर जो आपका बट एरिया है वहाँ पर बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते किसी को भी, किसी को पसंद नहीं है फुल बॉडी में बाल रखना, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी बॉडी में बाल रखना, सिर्फ मैं अपने फेस पे बाल रखना पसंद करता हूँ। अब गाइस अगर आपके लेग्स अच्छे हैं, आपके बट एरिया बहुत अच्छा है, आपका थाइज एरिया अच्छा है, आपको लगता है गाइस कि अगर ये
आपका एरिया अच्छा है तो आपको थोड़ा बहुत शो ऑफ करना चाहिए। अगर आप शो ऑफ करना चाहते हैं गाइस तो क्लीन रखिए, बिकॉज क्लीन जब आप रखते हैं ना, आपके मसल जब ज्यादा होते हैं ना तो बहुत ही एक अच्छा लुक मिलता है। जब बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो बहुत गंदा भी लगता है, इवन स्मेल भी बहुत करता है, पसीने भी बहुत आता है। तो एक ऐसा आपका पिछवाड़ा वाला एरिया एक ऐसा है, आपका बट वाला एरिया ऐसा है, यहाँ पर आप अगर क्लीन रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिकॉज एक तो मैंने वही बताया आपको रीजन की, जब आप एक्सरसाइज करते हैं सपोज खिंच गया कुछ या बाल आपके बहुत ज्यादा है, अगर खिंच गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सपोज अगर आप हैवी वेट कर रहे हो, सपोज आपका 100-200 केजीज आप लिफ्ट कर रहे हो और सडनली आपका बाल खिंच जाए तो इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। बिकॉज आपका बाल खिंचेगा, आप छोड़ दोगे वेट्स, फिर आप गिर जाओगे और हो सकता है आपको कोई लाइफ में हो सकता है आपको कोई ऐसी सीरियस इंजरी भी आ जाए। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो हैवी लिफ्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगा अपने बाल जो हमेशा रिमूव करके रखिए। तो ये भी एक अच्छा एरिया है जहाँ पर आपको हमेशा बाल जो है रिमूव करके रखने चाहिए और एक अच्छा लुक लगता है गाइस। अगर आप मस्कुलर हैं तो आपको वैसे भी बाल रखने की क्या जरूरत है। सो गाइस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो में शेयर करनी थी आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए अगले टॉपिक्स में आप क्या कैसा देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए गाइस। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, दिस अंकित पाल, ओवर एंड आउट।